नमस्कार, हेल्थ टिप चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसी हेल्थ की टिप्स लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। आइए आज हम सभी जानते हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जो आप सभी के लिए खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोनी की। लोनी के बारे में हम जानते हैं यह बहुत ही गुणकारी औषधि है और लाभकारी पौधा है। इसके प्रयोगों के बारे में आज हम जानेंगे और किन किन बीमारियों में ये आपके लिए कार्य करता है इस बारे में भी आज हम जानेंगे। लोनी पौधा भारत में लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है। लोनी प्लांट उत्तर भारत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर रूप से पाई जाती है। लोनी पौधों की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है और हरे पत्ते 3 से 4 मिलीमीटर तक मोटे और रस भरे और स्वाद में खट्टे नमकीन होते हैं। पत्तों की चौड़ाई लगभग 8 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। यह बहुत ही गुणकारी पौधा है। आइए जानते हैं आज हम इसके लाभों के बारे में। आयुर्वेदिक में बहुत पहले से इसका इस्तेमाल किया आ रहा है। लोनी में मुख्य रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी, ई, मल्टी विटामिन 44% आरडी, बीटा कैरोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, लिथियम, फाइबर, पोटेशियम, कॉपर, राइबोफ्लेविन, नियासिन और पायरोडॉक्सिन एक साथ मौजूद होते हैं। लोनी रिच एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों का एक साथ मिश्रण होता है। लोनी के 2 से 3 पत्ते खाना ही मात्र संपूर्ण रोगों का नाशक माना जाता है। यानी कि इसकी मात्रा जो होती है वो 2 से 3 पत्ते होते हैं। आप सभी के लिए मैं जितने भी एपिसोड लेकर आती हूँ उसमें कोशिश करती हूँ मात्रा पहले बता दूँ, ताकि जो अंत तक वीडियो नहीं सुनते हैं वह अपनी बीमारी से रिलेटेड और औषधीय से ठीक होने का सुनते ही चले जाते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। इससे बचाने के लिए आप भी कोशिश करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वॉइस ओवर को एंड तक जरूर सुने, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है अधूरे रूप से यदि आपने प्रयोग किया तो आपके लिए नुकसानदायी हो सकती है। तो दोस्तों, लोनी के 2 से 3 पत्ते आपको रोजाना लेते होते हैं, यह बहुत ही पर्याप्त मात्रा होती है आप सभी के लिए। अब जानते हैं आइए किन किन बीमारियों का इलाज होता है। लोनी कैंसर को दूर करने का बहुत ही अच्छा लाभकारी मानी जाता है। लीवर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और फेफड़ों के कैंसर को दूर करने का यह बहुत ही एक अच्छा गुणकारी पौधा है। लोनी के पत्तों का सेवन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। लोनी के पत्तों को चबाकर खाना होता है या फिर पत्ते सलाद के रूप में ले सब्जी और बीज इसका इस्तेमाल जरूर करें और यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। कैंसर विकार को तेजी से क्योर करने में लोनी के पत्ते सफल पाए गए हैं। इसके अलावा किसी को यदि इन्फेक्शन हो गया हो, घाव हो गया हो, लोनी के पत्तों का रस इन्फेक्शन घाव के चारों ओर लगाने से सूजन पस जख्म से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर से लोनी के पत्ते बहुत ज्यादा गुणकारी होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर रहने पर नित्य सुबह लोनी के 3 से 4 पत्ते चबाने चाहिए और लोनी पत्तों की सब्जी सलाद के रूप में सेवन करनी काफी फायदेमंद होती है। लोनी के पत्ते सेवन करने से रक्त धमनियों को सुचारू रूप से आप रख सकते हैं, जिससे कि आपको फायदा ही होगा। इसके अलावा इसके सेवन से हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन की नियंत्रण करने के लिए लोनी के पत्तों का रस पीना चाहिए और लोनी के बीज चबा करके खाने चाहिए। लोनी ब्लड क्लॉटिंग समस्या ठीक करने में हमारे लिए खास ध्यान रखती है। लोनी एचडीएल बैलेंस बनाने में सहायक होता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। लोनी हार्ट अटैक के खतरे से भी आपको बचाने में सहायक होता है। इसके अलावा यदि किसी को वजन कम करना है तो तेजी से वजन घटाने के लिए लोनी के काले बीज गुनगुने पानी के साथ सेवन करना काफी फायदेमंद होता है। लोनी के बीज शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने और कैलोरीज को बर्न करने में सहायक होते हैं। शीघ्र वजन घटाने के लिए 8 लोनी के बीज गुनगुने पानी के साथ सेवन करने के बाद खूब वर्कआउट, रस्सी कूद कर सकते हैं। लोनी में कैलोरीज की मात्रा बहुत कम होती है और रिच फाइबर, विटामिन, मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे आपके शरीर को फायदा होता है। इसके अलावा ये एनर्जी बूस्टअप का भी कार्य करता है। शरीर में अतिरिक्त एनर्जी फूर्ति के लिए लोनी के पत्तों की सब्जी सलाद रस का सेवन
काफी फायदेमंद होता है। बच्चों के लिए लोनी का प्रयोग जान लेते हैं। बच्चों के दिमागी विकास में लोनी का रस यानी कि उसके पत्तों का रस सब्जी सलाद काफी फायदेमंद होता है। लोनी स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है और भूख की कमी को भी दूर करता है। नजर तेज करने, पेट और पाचन संबंधी समस्या को ठीक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। परंतु बच्चों को लोनी 1 से 2 पत्ते सीमित मात्रा में ही देना आपके लिए फायदेमंद होगा, अदरवाइज ये आपको नुकसान भी कर सकता है। परंतु बच्चों को लोनी 1 से 2 पत्ते यानी कि सीमित मात्रा में ही देना चाहिए। लोनी रिच विटामिन मिनरल्स का एक अच्छा स्रोत है, पोषण के लिए आपके लिए अच्छा स्रोत माना गया है। पेशाब की जलन को दूर करती है। जी हाँ, पेशाब में इन्फेक्शन, जलन, दर्द रहने पर लोनी के पत्तों का रस जूस सेवन करना और पत्ते चबा करके खाना काफी फायदेमंद रहता है। जहर नाशक है लोनी। सांप, बिच्छू, कीट पतंग के काटने पर लोनी के पत्ते जड़ को डंक वाली जगह पर रगड़ने से जहर असर शीघ्र कम हो जाता है और लोनी के पत्तों को चबा करके खाना गुणकारी होता है। इसके अलावा चर्म रोग, त्वचा की एलर्जी से आपको बचाता है। चर्म रोगों में त्वचा को गर्म पानी से साफ धो ले और साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। त्वचा सूखने पर लोनी के पत्तों का रस लगाना काफी फायदेमंद होता है। लोनी त्वचा से संक्रमण, बैक्टीरिया एवं एलर्जी में धीरे धीरे सुधार कर ठीक कर देती है। मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत करती है। ये लोनी के पत्तों के सेवन से मांसपेशियां हड्डियों को मजबूती मिलती है। लोनी एक तरीके से मल्टी विटामिन और मिनरल्स का रिच स्रोत है। रक्त यह बढ़ाती है। लोनी की सब्जी सलाद का रस रक्त बढ़ाने और रक्त साफ करने में सहायक है। लोनी त्वचा रक्त संबंधित विकारों को मिटाने में खास होती है, लेकिन इसके सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल जब भी करें तो बहुत सावधानी से करें, ज्यादा मात्रा में इसका सेवन ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो एक नए टिप्स के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है।